ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है फाइनल लेयर का, फिर इस पे लैंड मार्किंग कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जाएंगे। दोस्तों देखो यही काम चल रहा है और सामने देख सकते हो ये है ईस्ट एंड पेरिफेरल, यहाँ से ये बाग। तो आप सभी को दोस्तों ब्राउन फील्ड एरिया आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आज। आप लोगों को बताऊँ ब्राउन फील्ड वो होता है जो पुरानी रोड को ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो कि शहर से होकर गुजरता है, जहाँ पर बाजार है दोस्तों उसे ब्राउन फील्ड बोला जाता है दोस्तों। और ग्रीन फील्ड वो होता है जो खेतों के बीच से जाता है दोस्तों रास्ता। तो देख सकते हो आप लोग कितना ही बेहतरीन ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। मैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ से मैं घूम घूम कर दिखा देता हूँ कि यहाँ का नज़ारा देखो कितना अद्भुत है और कितनी सारी यहाँ पर लाइनें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी जब ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर इसका चढ़ने उतरने के लिए उधर भी रैंप दिया हुआ है बागपत साइड में भी, और आप लोगों को बता दूँ दिल्ली साइड में ये मंडोला बिहार, देखो पीछे मेरे ये मंडोला बिहार है दोस्तों, उस पर भी रैंप दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बीच में दोनों से चढ़ने उतरने के लिए है दोस्तों, यानी कि डिवाइड होने के लिए दोस्तों। तो आप लोग जो नीचे से आ रहे हो वो ऊपर चढ़ सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको ऊपर यहाँ से चढ़ोगे बीच वाली लेन में तो दोस्तों आप लोगों को दिल्ली में जाकर टोल प्लाजा आपको टोल देना पड़ेगा, और अगर नीचे से जाओगे तो आप लोग बच जाओगे दोस्तों। तो यही है नज़ारा, और आप लोग देखो कि बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ और अभी इसमें स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जाने हैं, जहाँ पर ये देखो नट बोल्ट भी इन्होंने कस दिए हैं दोस्तों। देखो वो नट बोल्ट पीछे कस दिए हैं इन्होंने। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप लोगों को बागपत बॉर्डर तक का दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो लाता रहता है के पी संत अपने चैनल पर दोस्तों। तो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो चैनल पर दोस्तों, और देखो पर डे वीडियो के पी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्त। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइए अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मंडोला बिहार पर, तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ से ये रैंप स्टार्ट हो जाता है जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर वो देखो रैंप का हिस्सा दिया हुआ है, और इसमें स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लगा दिए हैं दोस्तों, और इसमें बीच में एंटी ग्लेयर ब्लेड्स भी लगा दिए जा चुके हैं, देख सकते हो वो वहाँ पर। और ये है मंडोला बिहार वाला, देखो वो भी रैंप है, वो भी बन के कम्प्लीट हो गया। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल कर बागपत बॉर्डर पर एंड तक दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत के चैनल पर दोस्तों। चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो एंड तक। तो चलते हैं ना देर करते हुए दोस्तों। तो कितनी लाइनें चमक रही हैं आप लोग देख सकते हो, हर राटा भरेंगी अब गाड़ियाँ दोस्तों, 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ने वाली हैं अब।
देखो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो बीच का डिवाइडर बन गया है। अब ये लेफ्ट साइड का ड्रेनेज बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। पहले ये गांव वाले नहीं बनने दे रहे थे दोस्तों, लेकिन अब जाकर इस गांव वालों ने मंजूरी दी है तब ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है। और ड्रेनेज बनने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ये रोड बना दी जाएगी। तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें गड्ढे गुड्ढे हैं इस रोड में, देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है दोस्तों। 12 लेन का दोस्तों, 6 लेन ग्राउंड लेवल पर रहेंगी और 6 लेन एलिवेटेड रहेंगी, जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। जो 6 लेन रहेंगी एलिवेटेड पार्ट की दोस्तों, यहाँ पर ये देखो फ्लोरिंग वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग ऐसी ही तस्वीरें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। इस साइड में दोस्तों देख सकते हैं कि इस पर गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इन गाटरों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद में दोस्तों इस पर सेटिंग लगाई जाएगी। सेटिंग लगा के इस पर फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये काम इसलिए मंदा चल रहा है क्योंकि ये हाई टेंशन वायर जा रही थी ऊपर से तो नीचे थी, अब इसको ऊँचा उठाया गया है दोस्तों, जब इसके बाद में यहाँ पर ये काम किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग इस जगह पर, देख सकते हैं आप सभी सेटिंग लगा कर फ्लोर वर्क किया जा रहा है। इधर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, इन गाटरों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। और इस साइड में देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग करी जानी है। गाटर लॉन्चिंग देखो दोस्तों की जा रही है क्योंकि यहाँ पर इसलिए लेट गाटर लॉन्चिंग की जा रही है क्योंकि हाई टेंशन वायर जा रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये लेट काम स्टार्ट हुआ है। देख सकते हो इधर भी क्रेन मशीन खड़ी हुई है, उधर भी, फिर ये आई गटर को उठाती है, फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देती है दोस्तों। देख सकते हो इधर भी ये शटरिंग लगा कर और फ्लोर वर्क किया जा रहा है, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और बीच में डिवाइडर बनाया जा रहा है, बीच में डिवाइडर बना के इस पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे बीच वाले डिवाइडर में दोस्तों। और साइड में इसमें ड्रेनेज बनाया जा रहा है दोनों साइडों में,
तो यही काम चल रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल तक दोस्तों। आगे आप लोगों को खेकड़ा मोड़ देखने के लिए मिलेगा खेकड़ा गांव में, वहां पर भी अभी काम चल रहा है जोरों शोरों से। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ में, देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइडर बना दिया बीच का। अब इसमें मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी। देखो आप लोग क्या ही नज़ारे यहाँ के, देखो प्लांटेशन कर दिया है ना इस साइड में, देखो आप लोग। अब इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिर इस पर ब्लॉक टॉप किया जाएगा। ब्लॉक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, और खंभे लग जाने के बाद में ये तैयार हो जाएगा दोस्तों एलिवेटेड सेक्शन। देखो यहाँ पर ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है साइडों से, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। इंजॉय करो ऐसे ही वीडियोज़ के पी संत के चैनल पर दोस्तों। दोस्तों इस साइड में देख सकते हैं आप सभी कि इन्होंने रोड भी बना दी है, पहले ये ड्रेनेज बनाया गया था और बीच का ये डिवाइडर बनाया जाता, इसमें मिट्टी डाल दिया, प्लांटेशन भी कर दिया दोस्तों, उसके बाद में ये रोड बनाया गया है दोस्तों। अब इस पर लैंडमार्किंग का काम किया जाना है, तो यही काम चल रहा है। ऊपर तो फ्लोर वर्क हो चुका है दोस्तों, फिनिशिंग का काम भी किया जा रहा है, तो यही काम चल रहा है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। आप सभी को बता दूँ दोस्तों ये इस रूट की दूरी है 210 किलोमीटर और ये 14,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है दोस्तों। दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होता है और ये देहरादून में जाके इसका एंड होता है दोस्तों। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ियाँ फर्राटा बनेंगी दोस्तों, और ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे ये होने वाला है दोस्तों। दिल्ली के अंदर ये दोस्तों ब्राउन फील्ड एरिया में ये 12 लेन का बनाया जा रहा है दोस्तों। हमारे दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर और बागपत बॉर्डर तक दोस्तों ये 12 लेन का होने वाला है एक्सप्रेसवे। 6 लेन ऊपर रहेंगी एलिवेटेड और 6 लेन नीचे रहेंगी ग्राउंड लेवल पे दोस्तों, तो यही काम चल रहा है। तो आप सभी इंजॉय कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।
यहाँ भी दोस्तों देख सकते हो कि बीच का डिवाइडर भी बन गया, उसमें मिट्टी डाल दी गई है दोस्तों, अब प्लांटेशन किया जाएगा। और मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप लोग ड्रेनेज बन गया है, बस अभी इस पर रोड बनाया जाना बाकी बचा हुआ है। अभी ऊपर का तो फ्लोर वर्क हो चुका है दोस्तों, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, उस पर ब्लैक टॉप भी किया जाएगा अभी एलिवेटेड सेक्शन पर दोस्तों, और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगाए जाएंगे जो कि नहीं लगे हैं अभी तक दोस्तों। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ईस्ट एंड पेरीफेरल, देखो यहाँ तक ये इसका रैंप का हिस्सा आ चुका है, देखो आप लोग ये देखो रैंप आ चुका है यहाँ से, अब ये उतर रहा है दोस्तों, और ये ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से ही गुजरेगा दोस्तों। और जो बीच का डिवाइडर था बनाने का मीडियन को, वो भी बना दिया जा चुका है, मीडियन भी बना दिया दोस्तों आखिर बागपत तक। तो पहले इसमें मीडियन नहीं था, लेकिन अब ये मीडियन का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। इस पर फाइनल लेयर का दोस्तों ब्लैक टॉप किया जा रहा है, देखो मशीनें लगी हुई हैं अभी भी ब्लैक टॉप किया जा रहा है इस पर, क्या नाम है रैंप के हिस्से पर दोस्तों, क्योंकि इस पर DBM वर्क हो चुका था पहले ही। और देख सकते हो इस पर साइन बोर्ड भी लगा दिए हैं, देखो ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है फाइनल लेयर का, फिर इस पर लैंड मार्किंग कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जाएंगे दोस्तों, देखो यही काम चल रहा है। और सामने देख सकते हो ये है ईस्ट एंड पेरीफेरल, यहाँ से ये बागपत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ये बागपत बॉर्डर है। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से। तो आप सभी इंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, देख सकते जो सामने से लाइट पड़ेगी दोस्तों उसके लिए एंटी ग्लेयर ब्लेड्स भी लगा दिए हैं ये मीडियन के ऊपर दोस्तों, तो यही नज़ारा है। आगे का वीडियोस आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा, क्या नाम है ग्रीन फील्ड एरिया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप।